दोस्तों नमस्कार। आज के दिन बहुत से व्यक्ति मोटापे से पीड़ित हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हम खा ज्यादा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं और एक्सरसाइज हमारे जीवन से समाप्त हो गई है। इस वजह से ये जो मोटापा है, इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में आ रही हैं, जिसमें IBP भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं। आज के वीडियो में हम शारीरिक मोटापे को केवल खाने पीने से कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, इस विषय में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। यदि आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इसको आखिर तक देखिए। आखिर में मैं एक विशेष टिप बताने वाला हूँ इसमें कि दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में MD, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर का जो टोटल वजन है, जो टोटल वेट है, वो चार चीजों के कारण से है। एक तो है वेट मसल्स का, एक है पानी का, वाटर का, तीसरा है बोन्स का और चौथा है फैट का। इनमें से जो पहले तीन है, ये घटने नहीं चाहिए। मसल्स घटगी कमजोर हो जाएंगे, बोन घटगी कमजोर हो जाएंगे, वाटर लेवल घट गया डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। केवल एक चीज को घटाना है, वो है फैट, क्योंकि इस फैट की वजह से ही हमारे शरीर में बीमारियां पैदा हो रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटापे का कारण क्या है। देखिए, सीधा मैथमेटिक्स है, जितना खाते हैं और जितना जलाते हैं उसका बैलेंस ही मोटापा। आप खा ज्यादा रहे हैं, यूज कम कर रहे हैं अपने शरीर में, वो इकट्ठा हो रहा है तो वजन बढ़ रहा है। आप खाना कम खा रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं तो वजन घटने लग जाएगा। तो वजन को घटाने के लिए हमें सबसे पहला जो कार्य करना है, वो है अपने खाने को नियंत्रण में करना, अपना खाना कंट्रोल करना। आज के वीडियो में हम कुछ स्टेप्स पर विचार करेंगे, क्या खाएं। सबसे पहले आता है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। हमारा भोजन स्पाइसी हो गया है, ऑयली हो गया है, फ्राइड हो गया है, हम बहुत सा मसाला इस्तेमाल करते हैं, खूब सारा तेल डालते हैं, तलकर चीजों को खा रहे हैं। इसके अतिरिक्त फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड का प्रचलन बढ़ रहा है। न केवल बच्चे बल्कि बुजुर्ग भी अब चिप्स जैसी पैकेज में बंद चीजों को खाना पसंद करते हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। हमारे भोजन में 7 चीजों का बैलेंस होना चाहिए। मैं सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, फिर है फैट, फिर है पानी, ये है PVMF, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। इनका बैलेंस यदि बना रहेगा तो हम अपने शरीर में मोटापे को रोक सकते हैं। अब आता है कि भाई कब खाएं और कैसे खाएं। ये है ठीक नियम, तो ये है कि हमें उस समय खाना चाहिए जब हमें भूख लग जाए। जैसे जंगल के अंदर शेर होता है, वो एक हिरण को मार के खाता है, उसके बाद में वो एक सप्ताह तक जगह पर बैठा रहता है, जब उसको भूख लगती है तब उठता है। लेकिन हम जो है मनुष्य जितने भी है, उन्होंने खाने का अपना समय निश्चित कर रखा है कि भाई सुबह नाश्ता, दिन में खाना, रात को डिनर। यदि हम ऐसा करें तो भी हमें समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लंच है वो हमारा 2 बजे से पहले और डिनर है वो रात को 8 बजे से पहले हर हालत में हो जाना चाहिए। रात्रि को ज्यादा लेट यदि खाते हैं तो वो भोजन पचता नहीं है, वो सड़ता रहता है। अब बात आती है भाई कैसे खाएं। देखिए, स्लो स्पीड में खाएं, 32 बार चबाएं, अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर 32 का एक आंकड़ा प्रिंट कर ले, जिस जो आपको ये याद दिलाता रहे कि मुझे हर रोटी के टुकड़े को 32 बार चबाना है। इतना चबाइए कि वो लिक्विड होकर के अंदर चली जाए। जितने भी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उसका कारण है तेजी से खाना खाना। स्पीड को कम करेंगे, सारी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाएंगी। अगले पॉइंट पर आते हैं, हमें गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिससे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनका रेट तेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और हमारा शरीर इस प्रकार से काम करने लग जाता है। फैट ज्यादा जमा नहीं होता, क्योंकि जो कुछ खाया है वो यूज होना शुरू हो जाता है। पानी के अलावा हम जो है वो और क्या पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट, प्रोटीन का अधिक से अधिक सेवन कीजिए। प्रोटीन हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है दालों में, दही में, राजमा में, हरी सब्जियों में, बादाम में। हमें इनका भरपूर प्रयोग अपने खाने में करना चाहिए। हमें होल ग्रेन का प्रयोग करना चाहिए, सब अनाज का प्रयोग करना चाहिए, छिलके समेत। इसमें जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है,
इनको पहले कहा जाता था गरीब आदमियों का भोजन और अब इनको कहा जाता है स्वस्थ व्यक्तियों का भोजन। इसी कार चोकर सहित गेहूं है, चना है, इनका प्रयोग भी हम करेंगे तो हमारे शरीर में फाइबर प्रचुर मात्रा में जाएंगे और हमारे शरीर की पाचन प्रणाली को ठीक रखेंगे। यदि इस प्रकार का भोजन आप खाते हैं तो आपके शरीर में मोटापा बढ़ेगा। एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि हमें अपने भोजन का आधा हिस्सा फल सब्जियां और अपक्व भोजन इस्तेमाल करना चाहिए। आधा भोजन हम पका हुआ खाएं, आधा भोजन हम बिना पका हुआ खाएं। हरी सब्जियां जो कि तो जैसी आती हैं वैसी ही खाएं, फल भी खाएं, तो ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए जहर का काम करती हैं, सफेद चीनी व्हाइट शुगर है और उससे बनी हुई मिठाइयां, वो मिठाइयां जो हमें ललचाती हैं, जिसमें जैसे गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, जलेबी है, इन चीजों में तेल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इनमें कैलोरीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो इस प्रकार हमें जो है इन चीजों से बचना चाहिए क्योंकि ये एक किस्म का स्लो पॉइजन है। दोस्तों, आपका वजन ना बढ़े इसके लिए आपको दो काम और करने पड़ेंगे, जिसमें एक है शराब यानी अल्कोहल के सेवन को बंद करना। अल्कोहल में बहुत ज्यादा मात्रा में फेक कैलोरीज होती हैं जो हमारे शरीर के मोटापा बढ़ाने के काम में आती हैं। हमें अल्कोहल के सेवन से बचना होगा और इसी प्रकार अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए स्मोकिंग को भी त्यागना होगा। अब मेरा आखिरी पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मैं आखिरी पॉइंट पर आ रहा हूं, जो है कि आपका मोटापा बढ़ेगा ही नहीं। एक फार्मूला बता रहा हूँ, इस फार्मूले का प्रयोग करके आप अपने बढ़े हुए वजन को घटा सकते हैं और अपने वजन को मेंटेन भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? जितना भोजन आप सारे दिन में खा रहे हैं उसको आधा कर दो। जितना भोजन आप सारे दिन में खा रहे हैं उसको आधा कर दो और जितने समय में खा रहे हो उसको डबल कर दो। खाना वही खाना है जो आप खा रहे हो, जितना आप खाते हो प्रतिदिन उसको आधा कर दो और जितनी देर लगाते हो उसको डबल कर दो, यानी धीरे धीरे खाओ, चबा चबा कर खाओ, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। हम भोजन के ठीक प्रकार उपयोग करके वजन को बढ़ने से रोक सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं बात करूंगा उन एक्सरसाइजेज की जिनके द्वारा हम अपने मोटापे को घटाने का काम कर सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज भी आएगी, योग प्राणायाम भी आएगा। दोस्तों, यदि आपको आज की मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।